हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक फॉर यू माय चैनल। सभी सहारा एंड पल्स निवेशकों का हमारे स्ट्रीमिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज पल्स इंश्योरेंस एंड सहारा इंडिया लिमिटेड के लिए बहुत जरूरी है कि उनका पेमेंट इस वक्त क्यों नहीं किया जा रहा है, ये आपको बताने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। जी दोस्तों, वीडियो को पूरा सुने और सुनने के बाद अपने कमेंट हमें ज़रूर लिखें कि आपकी हमारे इस वीडियो से क्या प्रतिक्रिया आपको बनती है। जो भी बनती है, आप लोग हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखें। तो जी ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की बड़ी न्यूज़ क्या है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज से 3 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। आदेश ये था कि लोढ़ा कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए थे कि उसके बस की बात नहीं है अपनी प्रॉपर्टी को थामना और इधर बॉन्ड वगैरह का सबमिट करना, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आर एम लोढ़ा को जिया दोस्तों एक कमेटी गठित की थी। इस कमेटी को आदेश दिया गया था, जो इस कमेटी के सीनियर अधिकारी आर एन लोढ़ा है उनसे कहा गया था कि आपको सभी प्रॉपर्टी को बेच कर सेल कर इनका पैसा 6 माह के अंदर अंदर सभी निवेशकों को दे दिया जाए। तो दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आर एम लोढ़ा जी ने ये चैलेंज तो ले लिया कि 4900 करोड़ रुपए कि देनदारी का एक बड़ा चैलेंज उन्होंने अपने हाथ में लिया। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से आज 3 वर्ष हो चुके हैं उस ऑर्डर को और आर एम लोढ़ा कमेटी को इस मैटर में, ना तो आर एम लोढ़ा को अभी तक कोई प्रॉपर्टी बेचने का ग्राहक मिल पाया। जी हाँ दोस्तों, क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आर एम लोढ़ा कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट इस वक्त पल्स मैटर पर चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 वर्ष दोस्तों कम नहीं होते। बेचने वाला खड़े खड़े करोड़ों की प्रॉपर्टी बेच के एक तरफ को खड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि आर एम लोढ़ा जी ने एक प्रपोजल मंगाए थे 2018 में, जो कि 12 प्रपोजल आए थे और बड़ी टॉप मोस्ट कंपनियों का आए थे, जिसमें एक गर्ग एंड कंपनी थी, जिस कंपनी ने सभी निवेशकों का ब्याज से भुगतान देने का एक बड़ा अपना दिया दोस्तों प्रपोजल दिया था। लेकिन दोस्तों आर एम लोढ़ा जी ने उसमें भी नींद मेक निकाल कर दिया दोस्तों, कुछ उसकी कमियां निकाल कर उसे भी फेल कर दिया और ऑलरेडी जितने भी 12 प्रपोजल थे उन्हें भी कैंसिल कर दिया। कुछ ऐसी ही मैटर सहारा के केस में दिया दोस्तों, सेम मैटर यह है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर सेबी अकेला लड़ रहा है, यहाँ पर पीएसएल में 2 बंदे लड़ रहे हैं दोस्तों, आर एम लोढ़ा और सेबी। लेकिन उसमें केवल सेबी है और सेबी वहाँ पर नहीं जीत पा रही है। क्यों नहीं जीत पा रही है? क्योंकि दोस्तों सहारा सुब्रत राय एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के मालिक उनको पटकी देना जानते हैं। क्या दोस्तों, उन्हें कदम कदम पर पटकी दे रखी है, निवेशकों को कैश पेमेंट करके और सेबी विभाग को कुछ करोड़ रुपए देके ये कहा कि ले बांट ले। तो अब उन्होंने प्रपोजल मंगाया, सॉरी उन्होंने डॉक्यूमेंट मंगाए कस्टमरों से, लेकिन कस्टमरों के वहां पर इतने डॉक्यूमेंट नहीं जा पाए जितने डॉक्यूमेंट सहारा के निवेशकों के जाने चाहिए थे। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको बता दूं कि सहारा सुब्रत राय ने कैश देकर सेबी को गुमराह किया। सेबी कह रही है कि हमारे पास इतने डॉक्यूमेंट आए, इतने बॉन्ड्स आए, तो उस हिसाब से बहुत कम आए। तो अब कितना आए कितना कम आए ये तो सेबी ने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक किया, लेकिन उस हिसाब से करोड़ों रुपया वहाँ बचा पड़ा है सेबी विभाग से। अब सुब्रत राय जी कह रहे हैं कि मेरा पैसा मुझे दे दो, जब भाई तुमसे बांटा नहीं गया, तुम्हारे पास कस्टमर नहीं निकले, जबकि मैं कह रहा हूँ, मैं दावा करके कह रहा हूँ कि मैंने इन सबको पैसा दे दिया। तो अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम उनके साथ है, लेकिन सहारा सुब्रत राय से सेबी नहीं जीत सकती। लेकिन यहाँ पर
पल्स निवेशकों का कोई सहारा नहीं है। एक निर्मल बंगू जी थे, वो भी एक लंबी अवधि से इस वक्त जेल में पड़े हैं, जो एक राजनीति का षड्यंत्र लगता है। जहाँ दोस्तों एक तानाशाही जैसा माहौल उनके ऊपर बना दिया गया है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आरएम गौड़ा इस वक्त अपने मैटर को सॉर्ट नहीं कर रहे और कई बार ये प्रपोजलों का समूह बचा चुके हैं। अब फिर उन्होंने मान लिया है प्रपोजल। अब देखते हैं दोस्तों ऊँट किस करवट बैठता है। तो सभी निवेशकों से हमारा ये कहना है कि सेवी बार धोखा नहीं दे रही है, धोखा दे रहे हैं आरएम गौड़ा जी हाँ दोस्तों, जो कि अपनी कोई वेबसाइट और सार्वजनिक कोई भी मैटर पल्स की प्रॉपर्टी का नहीं कर रहे और ना ही कोई उनकी हेल्पलाइन उनकी साइट पर चल रही है। तो दोस्तों सेवी बात को कहना बेकार है, क्योंकि सेवी बात जब लोड़ा कमेटी पैसे देगी तभी ये देगा। तो दोस्तों ये बड़ी न्यूज आपको एसटी न्यूज चैनल से दी जा रही है खबर। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खान को दे इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।